हे गाइस, दिस इज मी सिमरन। वेलकम बैक टू माय चैनल सिमी मेकओवर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लिक्विड लिपस्टिक, जो बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट है और ये आपको किसी भी लोकल स्टोर पे मिल जाएगी। बट आप इसे ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा सेल्स आती है तो आपको ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगी। प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। सो गाइज, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। जो भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, वरना आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो गाइज, मुझे आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी थी कि हमारे यूट्यूब पे 1K फैमिली कंप्लीट हो गई है, जिसका मैं बहुत ही टाइम से वेट कर रही थी। क्योंकि जो भी यूट्यूब पे मतलब अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं तो उनको होता है कि कब उनको रिजल्ट दिखेगा, तो फाइनली मेरे 1K हो गए हैं, 1K फैमिली कंप्लीट हो गई है यूट्यूब पे। सो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। 1K के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, सीरियसली आपने इतना सपोर्ट करा, इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा शुगर का बैग है, जब मेरी लिपस्टिक मंगाई थी उसके साथ मुझे बैग आया था, सो ये उसका बैग है, तो मैं इसी में स्टोर कर ली मैंने अपनी लिपस्टिक। और मेरे पास इसके 5 शेड है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी शेड है, ये डार्क स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगेगा। और सारे शेड की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको शेड ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। पर्टिकुलर शेड का मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। सो इनकी पैकेजिंग की बात करें तो बहुत ही स्टडी पैकेजिंग और ट्रैवल फ्रेंडली तो है ही है। और ये जो बैग है, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा सही बैग है, इसे मैं कहीं पे भी अपना थोड़ा छोटा मोटा मेकअप का, स्किन केयर का सामान इसमें लेके चलाती हूँ कहीं मैं जाती हूँ तो। सो ये लिपस्टिक कुछ इस टाइप की है, इस टाइप की पैकेजिंग में आई थी ये, और इसकी बहुत ही कूल पैकेजिंग है, बिल्कुल ग्लास टाइप, ऐसा नहीं है कि टूट जाएगी, प्लास्टिक टाइप है। और इसका कंटेनर बहुत ही सही वाला, और ये वाला शेड मैंने इस टाइम वेयर कर रखा है। पार्टीज़ वगैरह के लिए शेड बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, जितने भी शेड हैं ये पार्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये जो इसका ये वाला शेड है, ये शेड बिल्कुल बेकार है, ये मतलब बेकार इन सेंस मैंने सोचा था ये ब्राउन टाइप में आएगा, बट ये ब्राउन टाइप में नहीं आया था। ये ब्राउन टाइप लगता है जब आप इसे अपने हैंड पे करोगे, बट आप इसे लिप्स पे लगाओगे तो बहुत ही बुरा शेड है, सच में बहुत ज़्यादा बुरा है। और इसका प्राइस है 105। और जब आप इसके शेड बाय करो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना, क्योंकि मैंने रेड शेड मंगाए, इसमें मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, ऑलमोस्ट ये शेड मुझे सेम ही लगे रेड के, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा बट मुझे नहीं पता कि इतना ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस लगता है रेड वगैरह मेहरून जैसे उसमें गिवन था, उस टाइप का कुछ भी मेरे को रिसीव नहीं हुआ, इस टाइप के शेड रिसीव हुए। ये मतलब ऐसा नहीं है कि वेस्ट जाएंगे, रेड कलर आप किसी पे भी वेयर कर सकते हो, वैसे आप इसका एक शेड भी खरीदोगे तो इनफ होगा वो रेड कलर में। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. इसके शेड बहुत ही अमेजिंग है, देखो ये मैंने कर लिए हैं। सो अभी थोड़ा बहुत ये गीला है, क्योंकि थोड़ा मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लगा के दिखाया है, क्योंकि जिससे आपको अच्छे ईजिली डिफाइंड हो जाए कि इसके शेड कैसे हैं। ये तीनों देखो सिमिलर ही हैं जो मैं आपको बता रही थी। सो आप इसका एक शेड भी खरीदोगे तो सही है, आपके पैसे बचेंगे। और ये वाला शेड, इसके बदले आप दूसरा शेड खरीद सकते हैं जो इसके बिल्कुल सिमिलर होता है। ये वाला शेड आप खरीदोगे तो बहुत ही लाइट शेड है, बहुत ही न्यूड वाला, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, मैं थोड़ा ब्राउनिश चाह रही थी, बट वैसा नहीं है ये। और ये थोड़ा पर्पल अंडरटोन में आ जाते हैं, डार्क स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा सही जाएगा। और फेयर स्किन टोन वाले से लगाएंगे अच्छे तो लगेंगे, बट थोड़ा डार्क शेड बहुत कभी कभी ओवर हो जाते हैं, तो आप इसे पार्टीज़ वगैरह पर लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेंगे। इसका एप्लीकेटर भी बहुत ही ज़्यादा
फ्रेंडली है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से आपके लिप्स पे शेप दे देता है। आप इसे एज अ लिप लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको इसे अच्छे से शेप देना आना चाहिए। सो गाइज, दिस इज द फाइनल वीडियो।